तो 2 महीना 3 महीना ओकर इंतजार करी मन लेकिन थोड़ा बाद 10 दिन में पैदा हो जाए। तीन तीन चार चार महीना लग जाता खेती में। बिल्कुल सही है। ठीक है बाबा, तो मैं आपका नाम और नंबर नोट कर लेता हूँ। नंबर हम भाई साहब अनपढ़ मतलब ना हमारे मोबाइल मोबाइलियों ना हो रखित ना चलाई मुझे। तो आप जो है ना ये भैया को है ना भैया ये जो वीडियो बना रहे ये आपके फूलपुर के हैं। अच्छा कहाँ हो? उदयपुर में। उदयपुर गंगे में? हाँ। और ये हमारे उदयपुर तो यही बगलिया वो लगियो है पर। हाँ तो हमारे घर है ये पुरन के कोल्ड स्टॉक बगलिया में बार रोडवे पे वरायल टेंट हाउस के सामने। चाचा अगर एक दिक्कत जैसे मान लो ले न वो सब मेहनत आप लोगों करे न वो ले जाके 20 रुपया किलो बेचते हैं आपके मिलल तो 5 रुपया। हाँ, तो ये दिक्कत कैसे सही हुई? दिक्कत कैसे सही हुई भाई हमारे हम जैसे हम नहीं। हाँ अब यहाँ से लग जाओ मंडी। हाँ इतना मेहनत करके लेके जाओ फिर वहाँ से वापस तो लाइन में हमें गरज आई। नहीं ठीक हो लेकिन तो कहीं ओकर कुछ हो ही नहीं ऑप्शन के आपके हिसाब से कुछ लगत हो कि ये चीज़ ऐसे हो जाए तो हो सकाला सही कुछ आप अपने आइडिया कुछ आप इतने दिन से बेचते हैं कितना खेत में आप करते हैं? ये खेती है भाई देखा इतना एक मन फिर हो एक मन नहीं जितने भी आपके लोग हो है ना आइए आप भी आइए। अच्छा बारे में पता है। सही है ठीक है तो वो चीजें जब हमें पता चलेगा तब हम उसकी वैल्यू समझेंगे। आज हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है सही। तो वो हमारे लिए वेस्ट है। वेस्ट है। और जिस दिन हमें उसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी तो उस दिन हम उसको यूज में लेंगे। पहली चीज हमारी खेती अच्छी होगी और दूसरी चीज उससे इनकम होगा। अब मान लीजिए हमारे पास खेती नहीं है हम नहीं कर रहे पर भाई के पास खेती है हम उसको सेल कर देंगे। तो अरे इधर मेजमा का जो है ना क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। अच्छा लेकिन फिर भी जो है इसमें नदी उस पार का भी खेत है, बक्सपुर का भी खेत है, उधर तकिया का भी खेत है। अच्छा उधर से भी थोड़ा थोड़ा सबका है। तो यहाँ पे सबके सब आलू सब्जी सब कुछ उगाते हैं मतलब सब कुछ यहाँ होता है। अच्छा मिट्टी ऐसी है ना यहाँ हर फसल होता है। जी आइए फिर आपके किसानों से। नमस्कार भैया। नमस्कार क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया लग रहा है कि पूरे नए लड़के खेत में लगे हुए क्योंकि अभी परसों कुछ मीटिंग वगैरह चल रही थी कहते नए लड़के खेती नहीं करते हैं तो ये उनके लिए बड़ा अब्बास बन जाएगा कि पूरे नए लड़के खेती कर रहे हैं। कहते हैं कि बड़ा उदासीनता आ गया खेती के प्रति नए लड़कों का। तो इसमें आप लोग खाद पानी क्या डालते हैं? ये यूरिया और यूरिया डाई डाई। अच्छा पोटास पोटास और पानी पानी 10-12 दिन बाद 10-12 दिन बाद। और कितनी खेती होगी आपकी वैसे? यही है यही सब है। बहुत बढ़िया। अगर आपको कोई ऐसी टेक्निक सिखाई जाए जिसमें आपको जीरो बजट खेती करनी पड़ी तो हाँ ये हम लोग ना कर पाए। नहीं मालूम है इसके बारे में? बस इतना बहुत ना है तो नहीं, मतलब बिना खर्चा का कम खर्चा में खेती हो सके। खेती कर रहे ना उतना समय नहीं है सीखने के लिए। सीखे खाते समय ना हो? हाँ। कहे कितना टाइम लगी सीखे में? अरे भवा कहाँ मत। अरे नहीं जब हम लोग कोशिश कर जाए तो कौन ऐसा काम है जो नहीं हो? ट्रेनिंग लगवा दे आपके घर पे तो। अरे गांव लगाएंगे तो बच्चे लोग जाएंगे यार बीबी लोग जाएगी बहुत बहुत करेंगे आदमी लोग जाएंगे नहीं आदमी लोग तो धंधा धंधा लगेंगे। अरे तो सुबह में किया जैसे हम लोगों ने देवल जाता टाइम है आधा घंटा एक घंटा मैक्सिमम। हाँ बस वह टाइम है दिन भर का तीन नान रही आप का तीन। हाँ दिन भर हम जाने भैया 2 पैसा सब कमाए खाते हैं अपन बन जाए। सरकार ये चाहती है कि 10% में 10 एक गाय है और 1 एकड़ के आसपास जमीन है। अगर 1 एकड़ नहीं है उससे कम में भी है तो सालाना 3 लाख रुपए कैसे कमाए जा सके उस पर बहुत जोर है। अब जो यूरिया पोटास आप डालते हैं
इसमें पैसा खर्च होता होगा, ये सारे पैसे अगर आपके बच जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहे। और ये जो फसल निकलेगी ना आलू, यूरिया पोटास वाली जल्दी खराब हो जाती है, लेकिन जो प्राकृतिक खेती वाली रहती है वो लंबे समय तक स्टोर रहती है, तो आपका स्टोरेज सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। प्लस आपका ये जो जानवर वगैरह आपके इधर आते होंगे तो उससे वहाँ पे टेक्निक सिखाई जाएगी जिसमें आपको सिर्फ स्प्रे करना है और एक महीने के लिए आपका जानवर खेत भी नहीं छोड़ेगा। तो वो टेक्निक अगर आपके घर पे ही आके कोई सिखा दे पता है नहीं भाई। सीखेंगे ना? हाँ बिल्कुल। और सुबह जो 5-6 बजे रहते हैं जब खाली रहेंगे? हाँ हाँ, बस सुबह 8 बजे तक खाली रहते हैं। 8 बजे तो विजय सर आप इनके साथ में जुड़ जाइएगा। ठीक है सर। फूलपुर के हमारे प्रभारी हैं। जी जी। इनका नाम विजय कुमार यादव जी है। आपके इधर ही रहते हैं गांव इनका उदपुर उदपुर में, और ये बहुत एक्टिव है तो इनसे कोऑर्डिनेट करके हम लोग करते हैं। और जब आप लोग खाली हो जाएंगे तो आपको लगता होगा कि पता नहीं क्या ऐसे किसान हैं जो ऐसी खेती करते हैं। नहीं नहीं, ऐसे किसानों से मिलाएंगे आपको, आपके बगल में है मार्टिनगंज में। उनका नाम महेंद्र सिंह है और आजमगढ़ से 6 कृषकों को प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है ऐसी खेती के लिए। और ऐसे लड़कों की तो हमें बहुत जरूरत है जो बच्चे कर रहे हैं, है ना? सबको मेरा हेलो है। टाइम पास कर रहे हैं बस। ये टाइम पास नहीं है, टाइम पास। आपको मालूम है क्या होता है बड़े शहरों में? रूफ टॉप खेती कर रहे हैं सब, क्योंकि जो खेती जानता वही कर सकता है ना, और अपनी सब्जी खुद उगा के खा रहे हैं और इससे अपना शरीर स्वस्थ रखते हैं। अब यूरिया डाई पोटास वाला खाएंगे तो बीमारी फैलेगी, बीमारी फैलेगी भाई। हाँ, फिर दवाई का अलग से खर्चा होगा। राकेश है अपन अपन नाम, हेलो कह दिया। क्या नाम है भैया आपका? अशोक जी। बाबू आपका क्या नाम है? दिलीप। स्मार्ट हो एकदम। हाँ हेलो बाबू, थैंक यू दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे ना। सुभाष भाई, सुभाष भाई आपका।